हुआ यूं कि हम पार्टी के जो संरक्षक हैं मांझी जी के आवास पे हम गए हुए थे, इफ्तार पार्टी वहाँ है, तो उसके लिए कवर करने क्या क्या तैयारी चल रही है। तो वहाँ दानिश रिजवान जो प्रवक्ता हैं उनके वहाँ बैठे हुए थे पार्टी के, तो उनका हम बैठ लिए, बयान लिए। उसके बाद उनसे उनकी बात हुई तेज प्रताप यादव से किसी बात को लेकर, तो वो बताया कि वेद प्रकाश आए हुए हैं। उसके बाद उन लोग की बात ख़त्म हुई, फिर तेज प्रताप का फ़ोन आया दानिश रिजवान को, देखिए यहाँ पर ये 3:28 PM है और नंबर नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम ढक देते हैं कि तेज प्रताप यादव जी का नंबर है और 1 मिनट उनकी बात हुई है दानिश रिजवान से, इनकमिंग कॉल है लिखा हुआ, देखिए इनकमिंग। और दानिश को फ़ोन करके बोले कि वेद जी को भेजिए, हम इंटरव्यू देंगे। तो हम लोग तो कोई इंटरव्यू देगा तो कहे नहीं लेंगे, और किसी मुद्दे पर अभी चल रहा है तेज प्रताप यादव का मामला कि इस्तीफ़ा देंगे लालू जी को, तो बोले चलते हैं इंटरव्यू करते हैं। तो हम वहाँ गए तो हम पूछे कि नाराज हैं, क्योंकि हम अनिल सम्राट की मारपीट की खबर हुई या फिर रामराज उनके पार्टी में एक नेता थे इस्तीफ़ा दे दिए, उनके साथ मारपीट की खबर आई तेज प्रताप यादव इफ्तार पार्टी मारपीट किए, तो हम वो खबर चलाए थे। एक तो बातचीत होती है इनफॉर्मल बातचीत कि हम पूछे नाराज हैं, तो कुछ ने बोले नहीं नाराज क्यों हैं। और उसके बाद बोलते हैं कैमरा, वो जो वीडियो में आप देखे ही होंगे कि कैमरा बाहर रखिए, 2 मिनट बात करेंगे। तो ये जब वो बोल रहे थे ना, उस समय आप उनको नज़दीक से नहीं देखे होंगे, एकदम उनका होठ थर 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 काँप रहा था, एकदम मतलब जो होता है ना गुस्सा जैसा था। हमको लगा कुछ गड़बड़ है, नॉर्मल मामला नहीं। तो उसके बाद हम अपने साथ जो कैमरा हमारा पर्सन थे उनको बोले चलिए अब गाड़ी में, जो स्थिति ठीक नहीं लग रही है, जो व्यक्ति अपनी पार्टी के MLA MLC के उम्मीदवार के साथ मारपीट कर सकता है, जो अपनी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ मारपीट कर सकता है, तो किसी के साथ भी कर सकता है भाई। एक चीज़ था कि लालू यादव जी की बात करें तो लालू यादव दलितों को आवाज़ दिए बिहार में, बाबा साहब संविधान लिखे और उसको लागू लालू यादव कराए बिहार में बढ़िया से, और दलित बोल सके, बोल्डली बोल सके, इसमें लालू यादव का योगदान है और रहा है और रहेगा, हमेशा माना जाएगा सामाजिक न्याय के लिए। लेकिन उनके बड़े बेटे दलित की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं और दलित के साथ गुंडागर्दी करना चाहते हैं, और वो विधायक हैं, माननीय विधायक, विधायक किसी नौकरी पेशा वाला के नाम के आगे माननीय नहीं लिखाता, लेकिन कोई विधायक होते तो माननीय होते हैं। तो उनकी गरिमा, अपनी गरिमा वो गिरा रहे हैं, और वह भी मेंटल स्थिति उनकी सही नहीं है, इस्तीफा देना ये वो मामला चल रहा है, तो हम उनका भी दोष नहीं देते हैं। तेज प्रताप यादव की स्थिति अभी चल रही है, उनके हालात ऐसे हैं कि वो अभी डिस्टर्ब हैं, और डिस्टर्ब आदमी जब रहता है तो कुछ भी कर देता है। तो जो आदमी अभी मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो वो कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे लोगों से एक खौफ हो जाता है कि जिनके बारे में खबर ऐसी चल रही है कि इसको मार देगा, उसको मार दिया, उसको बंद करके मारा, उसका वीडियो बना लिया, तो डर तो अब कुछ पत्रकार, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, कल आपके साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, तो ये हिम्मत हौसला बढ़ना नहीं चाहिए इस तरह से। और लालू यादव के बेटे हैं तो उनसे हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हम लोग दलित समाज से आते हैं और दलित समाज से होते हुए हमने अपना मीडिया एक खड़ा किया, और बहुजन समाज की बात करते हैं, अकलियत की बात करते हैं, जो लालू यादव जिसकी बात करते थे। तो अब चाहिएगा कि हम किसी पार्टी के भोंपू बन जाएं और उसी का जय जय करें, थोड़े होगा। अगर आप RJD है तो दलित के फेवर में कुछ किया तो बढ़िया, अच्छी बात, नहीं किया तो नेगेटिव खबर भी चलती है, किसी भी चैनल में किसी पक्ष में सिर्फ खबरें नहीं चलती, नेगेटिव भी चलती है। तो हमारे खबर चैनल में चली कि मारपीट रामराज के साथ की गई, चाहे अनिल सम्राट के साथ जो खबर आई उस पर दानिश रिजवान हम पार्टी के प्रवक्ता का बयान आया कि मारपीट की गई, वो भी हम चलाते, इससे खार खाए तेज प्रताप यादव इस तरह से किए जो गलत है, उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।